I'm back with a new video. This is for Shivganga. Shivganga यहाँ पे एक तालाब है जो काफी famous है और यहाँ का एक पवित्र तालाब भी माना जाता है. तो चलिए देखते हैं आज शिवगंगा में क्या है, लोग क्या करते हैं सुबह सुबह यहाँ पे और बाकी के डिटेल्स में धीरे-धीरे आपको ट्रिप पे बताते जाऊँगा. जैसा कि आप देख सकते हैं लोग यहाँ पे आते हैं शिवगंगा पोखर में और ये नहाते हैं. शिवगंगा की मान्यता है कि ये गंगा के समान ही पवित्र है और जब आप यहाँ पे स्नान करते हैं तो फिर आप उस लायक हो जाते हैं कि आप यहाँ पे जाके आराम से मंदिर में पूजा कर सकते हैं. और दूसरा, यहाँ से मंदिर जाना काफ़ी नज़दीक है. ये पोखर, ये तालाब हमारे मंदिर बैद्यनाथ धाम मंदिर से सिर्फ 200 मीटर की दूरी पे है. तो यहाँ से आप स्नान करके आराम से आप मंदिर जा सकते हैं. और जब आप मंदिर जाते हैं तो आपको रास्ते में ही जो भी चीज़ें चाहिए, फूल चाहिए, माला चाहिए या फिर अगर आपको दूसरी चीज़ें चाहिए तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाती है रास्ते में. आप कीजिए, मंदिर जाइए और पूजा कीजिए. दोस्तों, जब लंकापति रावण यहाँ से उड़ के जा रहे थे तो उन्होंने उनके हाथ में शिवलिंग था और उनको बीच में यूरिनेशन की अर्ज आई थी. तो यूरिनेशन से पहले उन्होंने अपना शिवलिंग एक ब्राह्मण को दिया और ब्राह्मण को देने के बाद वो यूरिनेशन के लिए गए. और जब वहाँ से वापसी आ रहे थे तो उनको हाथ धोना था क्योंकि बिना हाथ धोए, बिना पवित्र हुए वो शिवलिंग को वापस टच नहीं कर सकते थे. तो इसीलिए उन्होंने एक पानी का स्रोत ढूंढा और आसपास में कहीं भी उनको पानी ना मिलने की वजह से उन्होंने अपने मुष्टी से प्रहार किया और यहाँ पे एक लेक का निर्माण हो गया जो लेक आज शिवगंगा के नाम से जाना जाता है. तो जब ये तालाब बन गया था तो तालाब के मेंटेनेंस के लिए लक्ष्मीपुर के राजा या लैंडलॉर्ड ने यहाँ की मरम्मत कराई थी. और उसके बाद फिर राजा जय सिंह जो एक और राजा थे उन्होंने एक मंदिर का निर्माण कराया था. तो मैं आसपास में पूछता हूँ और पता करता हूँ कि ये जो मंदिर बनाया गया था राजा जय सिंह के द्वारा, क्या ये वही बैद्यनाथ धाम मंदिर है या फिर ये कोई दूसरा मंदिर है. तो चलिए देखते हैं कि क्या है. आज के लिए इतना ही था. आशा करता हूँ कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा था. अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसको एक बड़ा सा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और कमेंट कीजिए मेरे वीडियो पे. और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप पूरा ये व्लॉग देख सकते हैं. और उम्मीद करूँगा कि आप बाबा बैद्यनाथ धाम के बारे में कुछ अच्छा ही सीखेंगे. और होपफुली ये वीडियो इस व्लॉग का आखिरी वीडियो है. तो अगर आपको ये पूरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो कृपया आप नीचे लिखे कमेंट में कि आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा मुझे और क्या चीज़ें कवर करनी चाहिए थी. अगर मैं वापस इस सिटी में आता हूँ तो कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट टाइम इस व्लॉग में कुछ ऐड ऑन करूँ, कुछ नया डालूँ. तो इस बार के लिए इतना ही. फिर बाद में मिलते हैं. बाय बाय. अच्छा.